बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से, जो आपको बता दें कि ग्राम प्रधान के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की उड़ाई जा रही है धज्जियां। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि गांव में देखने को मिल रहा है गंदगी के अंबार, जिसको लेकर आम जनता को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। जिला आजमगढ़ विकासखंड ठेकमा ग्राम पंचायत जलालपुर में गांव के बीचों बीच रोड पर लगा पानी व कचरे का अंबार, ग्राम पंचायत व अधिकारी नहीं दे रहे इस ओर ध्यान, जिससे गांव में बढ़ सकती है भयंकर बीमारी। गांव के छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए व महिला उसी रोड पर पानी में चलकर अपने काम को जाती है, जिस पर ग्रामीणों ने जताया विरोध, कहा कि हम लोग गंदगी व पानी में जाने के लिए है मजबूर। बोला, मैं सुनील सरोज जलालपुर से, जो कि कटघर ग्राम सभा में पड़ता है, ब्लॉक ठेकमा है। यहाँ के प्रधान श्याम कन्हैया हैं। यहाँ का जो सड़क है, थोड़ा सा भी बारिश होने पे पानी भर जाता है। गांव वालों को आने में बहुत ही समस्या होती है यहाँ पे। इसका कई बार हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया, जिसकी सुनवाई नहीं हुई। इस पर 4-5 साल पहले खड़ंजा लगा था राजाराम प्रधान की प्रधानी में, तब से उसके बाद गांव वालों ने 2-3 क्या इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की है कि ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत की गई थी, कई बार की गई थी, और कई बार यहां पे कई लोग आए भी थे। क्या आश्वासन क्या मिला आपको? ये आश्वासन दिया गया बनाया जाएगा। कई बार इसको नाप के भी लेके गए, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। अभी भी देखिए आप, थोड़ा सा ही बारिश हुआ, ये हल्का सा बारिश होने में आप देखिए कितना पानी आ गया, घुटनी भर पानी हो गया। आने जाने में कितना प्रॉब्लम होता है हम लोग को, और पर हम लोग देखिए कपड़ा निकाल के आते हैं जाते है। ये नहीं बनेगा तो क्या करेंगे आप लोग? अगर नहीं बनेगा तो देखिए हम लोग कैसे आएंगे जाएंगे, आप लोग ही देख लीजिए। ये फिर ब्लॉक पे क्या ब्लॉक पे इसके